मध्य प्रदेश के बिजली कर्मचारी निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। बिजली कंपनी से संबंधित सभी कर्मचारी संगठनों ने विरोध का बिगुल बजा दिया है और इसके लिए वो लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जल्द ही कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल भोपाल में आला अधिकारियों के साथ बैठक कर आक्रामक रणनीति बनाएगा। मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत मंडल के प्राइवेट निजीकरण को लेकर पूरे प्रदेश में विद्युत कर्मचारियों में हाहाकार मचा हुआ है। किसी भी क्षण सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला प्रदेश में किया जा सकता है। प्राइवेट निजीकरण को लेकर विद्युत मंडल के अधिकारी कर्मचारियों में लगातार भय की स्थिति बनी हुई है। करीब 20 संगठनों का दल संयुक्त रूप से भोपाल में आला अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करने का निर्णय ले रहा है। बैठक के दौरान इंदौर से करीब 50 लोगों का समूह इस बैठक में अपने विचार रखेंगे और सरकार से प्राइवेट निजीकरण को खत्म करने की मांग करेंगे। 18 तारीख को जो भोपाल में बैठक होने जा रही है, वो बैठक मध्य प्रदेश के सभी हमारे 19 संगठनों की बैठक है और संगठनों के प्रमुख वहाँ मौजूद रहेंगे। हम उसमें ये निर्णय लेने जा रहे हैं कि 5 तारीख से लेकर के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो धरना आंदोलन किया गया है, अब हमें क्या करना है। हम बैठक में सब लोग ये निर्णय लेंगे कि अब मध्य प्रदेश सचिवालय पर या विधानसभा भवन में हम अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना आंदोलन के रूप में अपनी बात रखेंगे। उसके बाद अगर नहीं हुआ तो फिर अन्य कोई कदम उठा करके सरकार को बताएंगे हम।